हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है द बेबी सीटर किलर क्वीन, जो कि हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये पार्ट टू है, इसका पार्ट वन भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होता 2017 में, जिसका नाम था द बेबी सीटर। अगर आपको पार्ट टू देखना है तो आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कैरेक्टर्स है, जो सिचुएशन है, वो कंटिन्यू होती है पार्ट टू में। पार्ट वन की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है कोल, जिसकी एज सिर्फ 12 साल है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और ये काफी इनोसेंट लड़का है, और इसी वजह से इसके स्कूल के दोस्त इसको पुस्सी करके चिढ़ाते हैं। अब जिसको नहीं पता पुस्सी का मतलब क्या है, तो वो है। खैर, कोल के पेरेंट्स हमेशा वीकेंड पे बाहर जाते, तो इसी वजह से वो लोग एक बेबी सीटर हायर करते हैं जिसका नाम है बी, जिसका रोल प्ले किया समारा विविंग्स ने। खैर, इस बार भी कोल के पेरेंट्स वीकेंड पे बाहर जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बी अपने कुछ दोस्तों को कोल के घर पे बुला लेती है और ये लोग एक सैटेनिक रिचुअल्स शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या कुछ होता है कोल के साथ, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा। खैर, पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में 2 साल का गैप रखा गया। जो सिचुएशन कोल के साथ हुई थी इस पर कोई भी यकीन नहीं करता, इवन कोल के पेरेंट्स भी नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि कोल दिमागी तौर पर बीमार हो चुका है, तो इस वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोल की फ्रेंड मिलानी इसको वीकेंड पर बाहर लेके जाती है, और उसके बाद कोल के साथ क्या कुछ होता है, कैसे वो पुराने कैरेक्टर्स इसकी जिंदगी में वापस आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेंगी ये दोनों ही मूवीज। और बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, तो यार यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि ये दोनों मूवी को टीनेजर्स को नजर में रख के बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पर आपको एडल्ट कॉमेडी, एडल्ट सीन, एडल्ट डायलॉग, कुछ बहुत सारा वॉयलेंस और बहुत सारा ब्लड शेड देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग बिलीव करो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है। बात करेंगे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो यार जबरदस्त। मैंने इतने ज्यादा टीनेज ड्रामास देख चुका, लेकिन यहाँ पर जो जो चीजें मैंने देखी है वो मैंने कहीं और नहीं देखा था भाई। उसके अलावा साउंड ट्रैक, इस पूरी फ्रेंचाइज का साउंड ट्रैक मास्टरपीस है, मैं तो बोलूंगा एक अलग ही जोन में आपको लेके चला जाता है इसका साउंड ट्रैक। और साथ साथ इस मूवी में आपको काफी अनएक्सपेक्टेड वॉयलेंस की सीन्स देखने को मिल जाएंगे, और कुछ तो ऐसे सीन है जहां पर आप लोग खुद स्क्रीन पर देखना नहीं पसंद करोगे। मतलब लिटरली हर एक सीन मतलब ऐसे होते हैं जो आपको गूज़बम्प्स लेके आते हैं, और जितनी हालत कोल की खराब होती है ना ये सारी सिचुएशन में, उतनी हालत आपकी भी कोल को देखते हुए होती है कि कोल किस तरह से सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा है, क्या कुछ उसके साथ हो रहा है, जो आप लोग जब विटनेस करोगे तो आप खुद बोलोगे। उसके अलावा बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर किसी एक का नाम लेना बेमानी होगा, सभी एक्टर ने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, और इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स थे वो इतने हिलेरियस है जो एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हंसाएंगे भी और दूसरे टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डराएंगे भी। उसके अलावा दोनों मूवीज में जिस तरह से वीएफएक्स का यूज किया गया वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा वीएफएक्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस तरीके की मूवीज पे इतना ज्यादा बजट होता नहीं है, और इतने बजट में वो लोग इतना अच्छा वीएफएक्स करना जहां पर आपको कोई भी चीजें फेक नहीं लगती है, तो वो एक अलग ही बात होती है, और जो आपको इस मूवी में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करेंगे इस मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार यहाँ पे अगर आप लोग लॉजिक लगाने जाओगे तो ये दोनों ही पार्ट्स में आपको नहीं मिलने वाला, तो ये इस पूरी मूवी की एक वीक पॉइंट है। उसके अलावा दोनों पार्ट्स बस एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाए गए, जो कि आपको एंटरटेन करते और खत्म हो जाते, तो ज्यादा मत सोचो। हाँ, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये फैमिली के साथ आप लोग मत देखना। तो बस इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।